डोनट्स के लिए हमने यहाँ पर एक कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच मेल्टेड बटर, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम 3 चम्मच दूध डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही, हम यहाँ पे डोनट का एक सॉफ्ट डो बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम पानी के जगह बीच बीच में दूध डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, एक अच्छा सॉफ्ट डो बनाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 3 चम्मच पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 फुट स्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 स्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास सिनेमन पाउडर है तो सिनेमन पाउडर थोड़ा सा। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा डो इस तरह से दिखेगा। हमको आटे की तरह इसका डो नहीं बनाना है, थोड़ा सा हल्का गीला बनाना है। फिर इसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क के इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक देंगे। ये देखिए अभी पूरा 15-20 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो एकदम सॉफ्ट है। इसको अलग से प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा आटा रख के इसको हम अच्छे से गुनेंगे। गूंथते समय आपको अपना हथेली पाम का यूज़ करना है और एकदम सॉफ्ट हैंड से इसको गूंदना है। लगभग 10 मिनट तक इसको गूंदिए। डोनट्स डो बनके एकदम तैयार है, एकदम सॉफ्ट बना है हमारा डो। आइए अब हम इस डो से डोनट बनाते हैं। सबसे पहले डो को हम 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 3 हिस्सों में से एक हिस्से को लेके हम उसको बेलेंगे। बेलते समय आपको याद रखना है कि आपको मोटा बेलना है, बिल्कुल भी पतला मत बेलिएगा इसको। हमने जब डो बनाया था तो डो बनाते समय हमने यीस्ट का यूज़ बिल्कुल नहीं किया था, इसलिए हम अभी इसको मोटा बेलेंगे। और आटा और तेल का इस्तेमाल भी मत कीजिएगा बेलते समय, बिल्कुल हल्के हाथ से मोटा मोटा बेलिए। देखिए लगभग आपका बेस इतना मोटा होना चाहिए। आइए अब हम डोनट का शेप देते हैं। मेरे पास डोनट कटर है नहीं तो मैं यहाँ पे एक कटोरी और बोतल कैप यूज़ कर रही हूँ। आउटर कट के लिए मैंने कटोरी से कट किया है। अगर आपके पास कुकी कटर है 2 डिफरेंट साइज़ का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं डोनट को शेप देने के लिए। मेरे पास ना डोनट कटर ना कुकी कटर दोनों नहीं था। ये देखिए हमारा आउटर कट हो चुका है, हमारा डोनट्स इतना मोटा है। अभी मिडल कट के लिए हम बोतल का कैप को एकदम बीच में रखेंगे, हल्के से प्रेस करेंगे और हम इसको कट करेंगे। देखिए एकदम परफेक्टली डोनट का शेप बन चुका है। अब डोनट्स को हम फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे रिफाइन ऑयल लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रख के हल्का सा तेल को हीट किया है। फिर उसके बाद उसमें हमने डोनट को रखा है। डोनट को हर 10 सेकेंड्स में फ्लिप करते रहिए ताकि वो जले ना, और हमको जो फ्लेम है वो मीडियम टू लो के बीच में ही रखना है और इसको हल्के हल्के से पूरा अंदर तक इसको पकाना है, वरना ये कच्चा रह जाएगा अंदर से। इसको हर 10 सेकेंड्स में फ्लिप करते रहिए, पकाते रहिए, और एक ब्राउन कलर का, गोल्डन ब्राउन कलर का जब ये हो जाएगा तो हमारा डोनट अच्छे से पक जाएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमारा डोनट का कलर दिखना चाहिए। हमारे सारे डोनट्स अच्छे से फ्राइड हो चुके हैं। अब हम इसको लेके डार्क चॉकलेट में डिप करेंगे। मैंने यहाँ पर डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके रखा है ऑलरेडी। अब हम इसको एक साइड से अच्छे से डिप करेंगे। सारे डोनट्स को हमने अच्छे से चॉकलेट में डिप कर चुका है। अब इसको क्यूट सा लुक देने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे स्प्रिंकल्स एज अ टॉपिंग। हमारा डोनट्स बनके तैयार है। देखिए कितना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है ना।
और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, घर में इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमको कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक न्यू इजी टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर डोनट्स।